आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसे रूस की सबसे ताकतवर रानी माना जाता है, लेकिन किताबों और इतिहासकारों की माने तो उसकी जितनी चर्चा बहादुरी की जाती है उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उसकी अय्याशियों के बारे में की गई है। ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसके आगे बड़े बड़े अय्याश बादशाह को पीछे छोड़ दिया था। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस रानी की आशिकों की लिस्ट में केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल थे, जिसमें उसके सबसे खास माना जाने वाला घोड़ा भी था। इसका नाम था कैथरीन द ग्रेट। ये उन खास लोगों में से हैं जिसके नाम के आगे द ग्रेट का इस्तेमाल किया गया था। कैथरीन का असली नाम सूफी था। उनकी शादी जिनके साथ हुई थी वो हमेशा नशे में ही रहता था, जिसकी वजह से कैथरीन ने वहाँ दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था जो बड़े पदों पर बैठे थे। ज़्यादा वक्त वह उन्हीं के साथ गुजारा करती थी। इन दोनों की मदद से इसने अपने शोहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और उसे जेल में डलवा दिया और कुछ दिनों के बाद उसका कत्ल भी करवा दिया और कैथरीन रूस की गद्दी पर बैठ गई थी। कैथरीन ने अपनी हुकूमत का पूरा दौर भरपूर अय्याशी करते हुए गुजारा था। हर दिन नए नए आशिक बनाती और उन पर दौलत लुटाती थी। रूसी फौज का बड़ा कमांडर उनके संपर्क में आया और धीरे धीरे कैथरीन के इतने करीब आ गया था कि कैथरीन आने वाली रात में किसके साथ सोएगी ये तय करता था। इस कमांडर की जिम्मेदारी थी कि कैथरीन खातिमा भी थी, जिसका काम सिर्फ ये था कि जो इंसान कैथरीन के साथ रात गुजारने वाला होता उसे इसके साथ पहले रात गुजारनी हुआ करती थी। अगर खातिमा उस मर्द को पास कर देती तो ही वो कैथरीन के साथ सो पाता था। और ये खेल लगातार चलता रहा। अपने से 30 या 40 साल छोटे लड़कों के साथ वक्त गुजारना ही कैथरीन का काम था। इसके अलावा इनका नाम कुछ खास जानवरों के साथ भी जोड़ा जाता था, जिसमें उनका घोड़ा भी था। माना जाता है कि उनकी मौत भी एक घोड़े के साथ गलत करते वक्त ही हुई थी। दोस्तों, इस रानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।